ज्ञान की चीज है, हमें इस पे ध्यान देना है। और इस ध्यान को कैसे हम इस पे ले जाएं, इसका संकल्प कैसे ले, इसके लिए आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। आप आए, इनसे जुड़े। और ये एक, वो कहते हैं ना, टाई की तरह, एक नोट की तरह, जैसे हम कहीं भगवान के यहाँ जाते हैं तो कोई लाल पीला धागा बांधते हैं, काला धागा बांधते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं पेड़ पे हम धागा बांधते हैं। तो यहाँ से इन जड़ों को अपने साथ, इनके साथ शेयर करें, आप इनसे इन्वॉल्व हों और संकल्प लें कि आज से हम अपने शहर की, अपने जगहों की सफाई में पूरा ध्यान देंगे। ये कितनी छोटी और कितनी एसेंशियल बात है दोस्तों। हम अपने चाइल्डहुड से इन चीज़ों का ध्यान रखें, हम अपने बच्चों को सिखाएं अपना कचरा इधर उधर न फेंके। कहने में अक्सर जब हम जरूरत पड़ती है तो मंच से भी कहते हैं, अपने जहां कहीं मौका मिलता है कहते हैं, लेकिन एसेंशियल पार्ट ये है कि हम उसे अपने जीवन में चरितार्थ करें। और यही मैसेज दे रहे हैं ब्राइडली रूट्स और चिमन डांगे। आए आप सब एक बार, आगे आए, इनसे मिले, इस चीज को देखें। यू कैन प्लीज कम अप ओवर देयर, कोई इश्यू नहीं। हम बहुत सादगी से इनको देखेंगे, निहारेंगे, इनसे बात कर सकते हैं और वापस अपनी जगह पर जाकर अगले प्रोग्राम्स का आनंद ले सकते हैं। कसम खाई थी फतेह सागर की पाल पे, इस जल के किनारे इतने लोगों की प्रेजेंस में आज के शाम को हम यादगार बनाएं कि कैसे हमने सबके समक्ष एक कसम खाई कि हम सच में सफाई का ध्यान रखेंगे। और ये बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद रोचक है, बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों इस नई चीज को देखने के लिए। तो तालियों में कमी ना करें। और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जो जो यहाँ टाई कर रहा है वो प्लीज एक बार मेरे साथ यहाँ स्टेज पे आए। जिसने अपनी यहाँ पे गांठ बांधी है झाड़ू की, वो प्लीज मेरे साथ यहाँ स्टेज पे आए। आप सब कृपा करके लाइन में आए, एक एक करके लाइन में आए, लाइन ना तोड़े। और जो जो यहाँ बांध चुके हैं, यहाँ आए मेरे साथ स्टेज पे, स्टेज शेयर करें। हम आज यहाँ से दिखाएंगे कि हमारे उदयपुर में कितने लाइव लोग हैं, कितना ऑडियंस है जो सच में इस जज्बे को लेकर इस शक्ति संडे प्रोग्राम को करता है और देखता है। प्लीज प्लीज आइए, आपका शुभ नाम, आप इंटरव्यू हमें यहीं पर देंगे। हमें बताइए कि क्या चीज इन्होंने इंस्पायर किया और क्या आज ये सोचते हैं ये बांधने के बाद। शंकरलाल सालवी, मैं PhD कर रहा हूँ अपने सुगढ़ यूनिवर्सिटी से। और आज ये प्रण करता हूँ कि मेरी इस लेक सिटी ऑफ उदयपुर को आज से मेरी तरफ से, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये कचरा मेरी ओर से इधर उधर नहीं फैले और मैं डस्टबिन में ही डालूंगा। जोरदार तालियां दोस्तों हमारे उदयपुर के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि यही है उदयपुर शक्ति संदेश और यही है हमारा काम। आइए भाई, आपने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि मेरी मतलब लाइफ में सफाई एक हॉबी रही है, घर पे भी करता हूँ, सिस्टर ने हमें करने पर अच्छा लगता है सफाई करने में। और उदयपुर वालों को ये कहता हूँ कि बाहर से आने वाले हर एक की चाहिए कि उदयपुर बहुत क्लीन सिटी है, और उसको रखना है, प्रण लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यू प्लीज मैम। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर मीना बया हूँ और आर्टिस्ट हूँ। आज मैंने यहाँ पर बेडी रूड ने और चिमन डांगी ने जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं क्लीन डिनर्स के लिए और एनवायरमेंट के अवेयरनेस के लिए, उसमें मैंने झाड़ू उनके हाथ पे टाई करी है और ये प्रण लिया है कि मैं अपने आसपास के लोगों को भी इस बात के लिए अवेयर करूँगी। और हमारे उदयपुर की इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, और हम जो है क्लीनलीनेस की तरफ और साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हमारी इकोनॉमी है उससे वो भी प्रभावित होगी। और उस तरह हमको ध्यान देना चाहिए और साफ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आइए आप बताइए, आप किस तरह से इंस्पायर हुए? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दिस कि उदयपुर सबसे ब्यूटीफुल सिटी है इस पूरे वर्ल्ड की, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सब इसको बस क्लीन बना के रखो, इसका सफाई का ध्यान रखो। यहाँ पे इतने टूरिस्ट आएंगे कि अपन सब गिनते थक जाएंगे, बस इसकी सफाई का ध्यान रखो। हेलो, उदयपुर में नगर पालिका ने जहाँ कहीं भी ये रखे हैं यूजर, उसको यूज लें और घर के आस पास कहीं भी कचरा है तो अपने तो नगर पालिका का यूज करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज भाई साहब। हेमंत सोनी, हमें जिस तरह हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही शहर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से मेहमान, विदेशी बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, तो हमें उदयपुर को साफ रखना चाहिए जिससे हमारा अच्छा संदेश जाए विदेशों। आइए सारे किड्स, आप सब ने भी बांधते हैं वहाँ झाड़ू, तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे कि आज से हम लोग उदयपुर को साफ रखेंगे। बोले जोर से, आज से हम सब उदयपुर को साफ रखेंगे। ओहो, सो दिस इज
प्लीज जोरदार तालियां बजाएं यंगर किड्स के लिए, क्योंकि ये वो मैसेज है जो हमें सीखना है। हम पेरेंट्स हो गए लेकिन अपने बच्चों से सीखेंगे, बेबाकी से इनका हौसला बढ़ाएंगे और कहेंगे कि सच में हमें उदयपुर की सफाई पर ध्यान देना है। प्लीज हमारी रीटा जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ फॉरनर्स तो आते हैं यहाँ, मगर उदयपुर को साफ रखना इसके अलावा किसके लिए करते हैं, किसके लिए हम अपना वातावरण साफ रखते हैं, किसके लिए? It's for us. And why? क्यों? Yes, thank you. स्वास्थ्य रहने के लिए. Let us keep Udaipur clean and beautiful. थैंक यू रीटा जी। तो इन्होंने बताया कि सफाई का महत्व सिर्फ सफाई तक ही नहीं, स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। हमारे बीच एक और दीदी है, प्लीज आप बताएं कैसे इंस्पायरेशन मिला आपको। मैंने कसम खाई है दिन बांध के कि अपन जैसे घर को सफाई रखते हैं, वैसे अपने शहर को हमको देखे है ना, शहर की सफाई सब रखेंगे और ऐसे ही करके पूरे देश की सफाई होती रहेगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि ये कंटीजियस बन जाए, ये छुआछूत की बीमारी बन जाए। कौन सी चीज कि ये अच्छी चीज छुआछूत हो जाए, मुझसे उसके पास, उससे उसके पास, और जाती रहे और बदलती रहे। दोस्तों एक पंक्ति में इस सब कार्यक्रम का जवाब दे रहा हूँ, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। केएल शर्मा साहब का कहना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सच में हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में उदयपुर शहर में आप सब, हम सब जो रहते हैं, जिन्होंने आज यहाँ इतनी खूबसूरत झील के किनारे कसम खाई है, संकल्प लिया है कि हम अपने शहर को अच्छा बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे, तो जोरदार हम सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चिमन डांगी साहब और ब्रेडली रूट साहब मैम का, कि जिन्होंने अपने कीमती समय और इस खूबसूरत आर्ट इंस्टॉलेशन के माध्यम से हमें ये जानकारी दी। अब आपको चेमन जी एक और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से वो और आपके आपके समक्ष ये रखना चाहते हैं कि क्लीननेस और सफाई का संदेश कैसे, कैसा इंटरेस्टिंग, कितनी अच्छी तरीके से हम सर्कुलेट कर सकते हैं। यहाँ सीखने की चीज बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, ये आर्ट इंस्टॉलेशन अपने आप में एक सीखने का तत्व है कि हम किस तरह से कितने रोचक रूप से अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। So we are we ready with presentation please? लीजिए आपके सामने अगली presentation. वीडियो इसका टाइटल है पिकनिक एट द ब्रह्म पॉल। हालांकि नाम तो अपने बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है, परमा जी का ये गेट है, लेकिन एक्चुअली इसमें आसपास में अपन देखेंगे तो कितना कचरा है। आप सब जानते हैं ब्रह्म पॉल, और ब्रह्म पॉल में हमने ये लाइव स्टेयर हमने वीडियो बनाया था इसमें, और लोगों का ध्यान अट्रैक्शन कराया था कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भी एक झील का पार्ट है, पतझड़ के बहुत सुंदर है लेकिन वो भी एक पार्ट है, तो हम लोग इसको भी एक जैसे शरीर का एक एक अंग अपना एक महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह एक झील का भी हर पार्ट अपना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमने ये ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की यहाँ पे। तो दोस्तों
क्या आप इस तरह की पिकनिक मनाना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि फतेह सागर इस स्थिति में पहुंच जाए या ये स्थिति फतेह सागर में कन्वर्ट हो जाए? ये डिसीजन आपको लेना है और इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी सरकार दुनिया की आपको ये काम करके नहीं दे सकती, आपको खुद को इस काम को करना पड़ेगा। यू योर सेल्फ विल हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लीन ग्लीन उदयपुर। आर यू रेडी? यू हैव टू डिसाइड विच वे यू हैव टू गो, वेयर यू वॉन्ट योर किड्स टू गो फॉर पिकनिक, द प्लेस लाइक दिस और द प्लेस लाइक फतेह सागर राइट नाउ। सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड टुनाइट, एट लीस्ट थिंक एंड स्टार्ट फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी प्रेजेंटेशन चिमनटांगी और पेडली रूट की। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और हम दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमें एक बहुत आवश्यक संदेश इन्होंने दिया, तो ये प्रेजेंटेशन हमने आपको दिखाई जो कहते हैं कि सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों क्या हमारे शहर में सिर्फ एकमात्र यही इशू है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हमें सिर्फ सफाई पर ही ध्यान देना है, बाकी सब कुछ ठीक है क्या? नहीं तो क्या क्या गड़बड़ियां हैं और उसको कौन सुधारेगा?